अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्यामे ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन आज सुबह से ही जारी है। आदिल जिलानी और वक्त न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। सो व्यूअर्स, आज ईद के हवाले से रंगारंग प्रोग्राम जारी हैं वक्त न्यूज़ टेलीविजन पर, और आज हम ईद के हवाले से थोड़ा कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं और दोनों की इंफरादियत अपनी फील्ड में बड़ी अहम है, बड़ी क्रिटिकल है, ना सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी। और बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो उनको अभी तक फॉलो कर रहे हैं, शहदाई हैं उनकी तमाम अचीवमेंट्स के हवाले से भी, और हम भी उनका बहुत रिगार्ड करते हैं। सो मेरे पहले मौसस गेस्ट जो हैं वो प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, बड़े अच्छे तगड़े सियासतदान हैं, सितारे इम्तियाज ले चुके हैं, पीटीवी के ड्रामे उन्होंने लिखे और उसके हवाले से भी एक्नॉलेज किया गया। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग मेंबर में से हैं जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ईद मुबारक हो सर। ईद मुबारक आपको भी और तमाम नाज़रीन को भी जो इसको देख रहे हैं। आपने बहुत सी अच्छी बातें कही मेरी। मैं अपने दूसरे गेस्ट का तारुफ करा दूं, सरदार नज़ाकत नौजवान जियाले हैं और KCCI के मेंबर भी हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, सोसाइटी में भी। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो सर एक्चुअली मैं आज थोड़ी गुफ्तगू इस हवाले से भी करना चाह रहा था कि एक जो सीनियर जियाला है जो पीपल्स पार्टी को लीड कर रहा है और जो नौजवान जियाला है, दोनों इस पार्टी को कैसे देख रहे हैं, इस सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी में क्या किरदार अदा करें, उस हवाले से बात करेंगे। बट सर नॉर्मली ये बताएं कि ईद के दिनों में किस तरह की लाइफ स्पेंड हो रही होती है? थोड़ी यूजुअल है वही जो जनरली आप पार्टी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वर्कर्स के साथ मिलना जुलना होता है, या थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें? सब हमारी उम्र नहीं रही, बच्चों का वो होता है, लेकिन ये ईद भी ईद इबादत का हिस्सा है और हर इबादत के तीन पहलू हैं। एक तो ये कि आपका अल्लाह से एक लगाव और रابطہ, एक आपकी एक ज़ाती इबादत कि आप खड़े हुए और आप कहा कि ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, और एक इज्तिमाई है। ठीक है, यानी जिस वक्त हम कहते हैं अल्लाह अकबर तो उसका मतलब ये होता है कि हम इलाके के SHO को खुदा नहीं मानते कि सिर्फ एक ही है। तो ये इंसान का ऐलान आज़ादी है कि हाँ हम सब, और जिस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह हम कहते हैं तो ये नफी और इस बात है कि हम किसी ज़मीनी खुदा को हम तस्लीम नहीं करते, हम आज़ाद हैं और हमें मसावात है। और इल्लल्लाह जब हम कहते हैं इस बात का जो हिस्सा है वो ये है कि हम सब एक ही अल्लाह को मानते हैं और एक ही अल्लाह की मखलूक है, लिहाजा हमारा और दूसरों का एक रिश्ता है, एक ही ख़ानदान के हम फर्द हैं। तो ये अखुवत, ये भाईचारा, एब्सोल्युटली ये पैगाम उसका। तो सर ये जो अखुवत और भाईचारे का जो मैसेज है ये इस ईद पे हमने देना है अपने तमाम पाकिस्तानियों को भी, खुशी एक्चुअली हम शेयर करते हैं। तो आज सर पाकिस्तान में, मैं इस हवाले से भी बात करूँ थोड़े लाइटर मोड में, आज सर पाकिस्तान में आप देखें बड़े मसाइल हैं, गुर्बत बढ़ रही है, आबादी तेज़ी से बढ़ रही, बिजली का बहरान, गैस, महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें। तो सर ईद शायद अब ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग रूम तक महदूद हो गई है, ईद अमीर बंदे के लिए ईद बनी है, गरीब बंदा तो आज भी सर उसकी झोंपड़ी टपक रही है पानी से, खाने को रोटी नहीं है और पीने को पानी नहीं है। तो सर ये इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा तजाद हमारे सिस्टम में कैसे आ गया? ये देखें स्टेट और सोसाइटी का एक तसादुम है कि रियासत एक रुख में जाती है, जा रही है, और समाज हमारा वो दूसरे रुख में जा रहा है। जो हमारी सोसाइटी है वो चाहती है कि वेलफेयर हो, दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो, लोगों की आज़ादियाँ और हकूक़ हों। रियासत तो ये समझती है कि नहीं, ये आज़ादियाँ और ये हकूक़, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें गैर महफूज बनाती।
और इसलिए वो एक अलग रुख है। और ये मैं सिर्फ अपने मुल्क का नहीं कह रहा, बल्कि मैं रसल को कोट कर रहा हूँ जिसमें उसने कहा कि रियासत हमेशा अशराफिया के लिए काम करती है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब रियासत अगर अशराफिया के लिए काम करती रहेगी तो फिर उसके अंदर इस किस्म के मसाइल पैदा होंगे कि दौलत बजाय इसके कि लोगों में मसावी तौर पर तकसीम हो, वो अशराफिया की जेबों में। तो रसल ने सर जहाँ इन अशराफिया के लिए बात की है तो वहाँ उसने ये भी तो कहा है कि गरीब के इंटरेस्ट को भी तो साथ प्रोटेक्ट करना है। नहीं, तो सर रियासत ने तो मांग के किरदार अदा ही नहीं किया। रसल ने इस बात को जस्टिफाई नहीं किया है, रसल ने एक हकीकत की तरफ निशान दी। ठीक है, ठीक है। और उस हकीकत के ज़ेल में हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए। रियासत का दूसरा हिस्सा मुंतखब नुमाइंदों का है, मुंतखब नुमाइंदे आवाम को जवाबदार है। ठीक है, किस हद तक, किस हद तक हम इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं ये देखने की बात है, लेकिन जमहूरियत आवाम को ये मौका देती है कि अगर वो समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उनके मफादात का तहफ़ करने में, तो वो हमारी जगह दूसरे लोगों को ले आए। लेकिन ये एक तसादुम है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में तसादुम की ये कैफियत बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप ओवरऑल सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी बहारें देखी हैं, पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, रिश्ता आपका पीपल्स पार्टी के साथ आई गेस कुछ 50 साल का हो गया, तो 50 साल में आप सर कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान ने जो किरदार अदा करना था इस सोसाइटी को ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाने के लिए, गरीब बंदे के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रियासत और मजहब को अलग रखने के लिए और उसके साथ साथ उसका इफेक्टिव किरदार अदा करने, वो किरदार अदा किया? देखो आदिल, शायद हम वहाँ खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर द रोड फोक्स, मतलब सड़क दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। एक सड़क, एक रास्ता वो है जो हमें एनआरकी की तरफ ले जाता है, और मैं इस बात पर काफ़ी परेशान हूँ कि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता एनआरकी की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि एक फलाह बहबूद का रास्ता है, और इस रास्ते पे चलने के लिए हमारा सबसे बड़ी ताकत हमारे अवाम का शऊर है। बिल्कुल सही। हमने और कुछ किया हो या ना किया हो, हम में 10 खराबियाँ हों, लेकिन ये जो हमारी जमहूरियत की जद्दोजहद है उसने अवाम के शऊर को एक बुलंद सतह पे पहुँचा दिया है। शऊर आ गया, और शऊर ऐसी चीज़ है कि जो एक सतह पे पहुँच जाए तो वहाँ से नीचे नहीं आता। ठीक है, अब ये मुमकिन नहीं है कि मैं या कोई और या बाद में कोई आने वाला सियासतदान अवाम को नारों से बहका सके। ठीक है, अब आवाम को पता है कि क्या सही है और क्या गलत, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पे सर मैं बात करता हूँ। सरदार साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी जो हम इस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, ईद पे बैठे हैं, ड्राइंग रूम में एक हल्की सी चिट चैट हो रही है, और बड़ा जरूरी है कि हम जो है वो दोबारा से रीअसेस भी करें, अपनी अचीवमेंट्स को भी देखें और अपनी कोताहियों को भी देखें, हम मीडिया अपना किरदार को देखें, सियासतदान अपने किरदार को देखें। तो जो नौजवान ज्याला है और जो पुराना जो ज्याला था, जो एक्चुअल कमिटेड वर्कर था ताज हैदर साहब की तरह, तो नौजवान ज्याले में हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती जो ताज हैदर साहब जैसे कमिटेड वर्कर्स के अंदर थी और जो अभी भी पार्टी को चलाए हुए हैं, तो ऐसा क्यों है सरदार साहब? जिलानी साहब, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर 18 साल से 45 साल के दरमियान जो नौजवानों की तादाद है वो 65% है पाकिस्तान के अंदर, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक जितने हमारी सीनियर लीडरशिप है, चाहे उसमें ताज हैदर साहब हैं और बहुत सारी लीडरशिप यहाँ पे रज़ा रब्बानी साहब की सूरत में, एक इंस्टीट्यूशन की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। आज मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो यूथ है वो बिलावल भुट्टो की सूरत में, वो बिलावल भुट्टो की तरफ देख रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा, आज जिस तरह वो निकल के अवाम के पास जाते हैं, चेयरमैन साहब, और आपने अमजद साबरी साहब का जिक्र किया, अमजद साबरी साहब की माँ ने जिस खुलूस, प्यार और मोहब्बत के साथ उनके साथ बातें की, और पहली दफ़ा अमजद साबरी शहीद
कुक के शहीद होने के बाद उन्होंने पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो के साथ मिलके अब थोड़ी बहुत खुशी का इजहार किया है। और हम ये समझते हैं कि देखें हमारे अंदर बिल्कुल, ये मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि वो एनर्जी हमारे अंदर मौजूद नहीं है जो इन हमारी लीडरशिप के अंदर मौजूद है। ताज हैदर साहब फिजिकली भी इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान साहब जहाँ तक बात है, देखें इमरान खान साहब को और ताज हैदर साहब को आप इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ इमरान खान साहब की, मेरी सुन ले बात कंप्लीट कर लो, जिलन साहब बात कंप्लीट कर लो, इमरान खान साहब की फॉलोइंग जरूर होगी, लेकिन जिस प्रोसेस से ताज हैदर साहब ऊपर आए या ताज हैदर साहब जैसे लोग आगे आए या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ऊपर आई है जितनी कुर्बानियों के बाद, वो तो आज भी तालिबान को 30 करोड़ रुपए का चंदा देके वो अपना गुजारा कर रहा है। उसके वाले से बाद में बात करेंगे, मैं तो नजरियाती कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ कि नए जियाले में हमें वो खून वो जोश वलवला नजर नहीं आ रहा। देखें आपने नारा क्या था, रोटी कपड़ा मकान, शायद नए जियाला उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। अगेन वही बात है, इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 18 अक्टूबर को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची आई तो कराची के 250 लोगों ने, नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं यही पीपल्स पार्टी के लिए। और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान बिल्कुल पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा है। और हम जैसे जो सियासी कारकुन हैं आज पाकिस्तान की किसी भी इदारे के अंदर जाएं तो बिलावल भुट्टो को लोग अपनी उम्मीद की किरण समझते हैं। लोग इमरान खान को, बिलावल साहब अपना काम कर रहे हैं, तगड़ा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें और भी अभी स्पेस है मनूवर करने की, वो अभी देखें हम प्रॉब्लम्स, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम से गुजरे, लेकिन इंशाल्लाह आने से पहले से मुझे बताएं जो नारा था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रोटी कपड़ा मकान के स्लोगन में अब वो जान नहीं रही, कि नौजवान में वो करंट नजर नहीं आ रहा जो ताज साहब के पास है? सर क्या कहेंगे आप? जिस चीज़ की मुझे शिकायत है वो ये कि गौर व फिक्र, अच्छा हालात का तज़िया जो मुख्तलिफ कुव्वतें इस वक्त समाज में हैं, किताब से दूरी नहीं भी एक फैक्टर तो है। एक चीज़ तो किताब है और किताब का पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन शायद जिस तरीके से तब्दीली आ रही है समाज में जितनी तेज़ी के साथ आ रही है उसका वो अभी किताबों के अंदर नहीं है। छोटी सी मिसाल आपको दूँ, हमारे जो तालीमी इदारे हैं ख़ास तौर से जो आला तालीम के इदारे हैं वहाँ 70% से ज़्यादा ख्वातीन हैं और ये एक कुचला हुआ तबका था। अच्छा अगर मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, देही इलाकों के अंदर वो बच्चियाँ जो घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती थीं आज वो गैर सरकारी इदारे बना के फलाही काम कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब ने अपने इंतकाल से 1999 में उनका इंतकाल हुआ ये बात मुझसे कही कि देखो बच्चियाँ बाहर निकल रही हैं और बच्चियाँ जब बाहर निकलती हैं तो मुस्तकबिल बहुत रोशन होता है। ताज डोंट गिव अप, दिस कंट्री हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। अब ये जो तब्दीली समाज में आ रही है कि मेरी कार हालांकि आगे रोक ली गई, औरतों ने रोड ब्लॉक कर रखी थी, मैं उतरा बीबीओ क्या बात है, कहने जी एक बेगुनाह को उठा के पुलिस ले गई है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अभी फ़ोन करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है मामला। 16-17 साल की एक बच्ची खड़े होकर सामने कह दे ताजादर तुम क्या करोगे, तुम्हारा आदमी है जिसने ये बेगुनाह को उठवाया है, पहले उसको ठीक करो बाद में मुझसे बात करना। ठीक है, ठीक। अब ये एक बच्ची के अंदर ये हिम्मत आनी है कि सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताजादर रो पता नहीं क्या मुसीबत, उसको यूं कहे कि ताजादर तुम क्या करोगे, जाओ गाड़ी में उधर खड़ा हो अपने राइट्स की बात, हाँ कि उधर अपनी गाड़ी खड़ी करो रोड बंद है। अब ये चीज़ जो है ना दिस इज़ अ आई ओपनर कि हाँ वो औरतें ये कर रही हैं। मैंने SSP को फ़ोन किया, मैंने कहा कि वो बंदा है खुदा गलत है सही है कर ले साहब गलत पकड़ा है, मैंने कहा लेके आ भी उसे ये बच्चियाँ नहीं सुनेंगी। ठीक है हुँ? तो करंट है, करंट नहीं है ये शऊर है। और जो हमारे शऊर का करंट है पसमांदा लोग थे जिन्हें सदियों से कुचला गया था बहुत बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। वो डेफिनेटली सर, तो उसमें देखें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया ने अपना किरदार अदा किया है किरदार और ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि एक फिनोमेना जो है वो ग्लोबलाइजेशन का वो भी है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है। मैं इन नौजवानों से यही कह रहा हूँ कि भाई ये जो तब्दीली आ रही है इसको समझो जी हाँ यस और इसको लीड करने के लिए तैयार हो।
ये जो गैप है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी बड़ी सर सियासत हो रही है और तमाम पार्टियां बड़ी इफेक्टिवली उसको जो है वो रन कर रही हैं, तो सर सरदार साहब मुझे ये बताएं कि बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया जाता है, चाहे पीटीआई का सोशल मीडिया हो, चाहे पीएमएलएन का हो, पीपल्स पार्टी का हो, तो वो जो आपने सोसाइटी के अंदर अपना इफेक्टिव किरदार अदा करना है, जो शऊर जो क्रंच जिसकी अभी ताज अदर साहब बात कर रहे हैं, वो मिसिंग है और उसका रिफ्लेक्शन हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर नज़र आता है कि आपने किसी की गुस्ताखी कर दी, किसी को गालियां दे दी, कुछ ये चीज़ें हो गई। तो नौजवान को सर ये अगर ये काम करेंगे पार्टियों के अंदर रहकर और पार्टी उनको प्रोटेक्ट भी करेगी, मैं ही नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी प्रोटेक्ट करती है या दूसरी पार्टियाँ करती है, तो सर ये इससे तो इफेक्टिवनेस उसकी फिर कम हो जाती है अब जो सियासी किरदार आपने अदा करना है। देखिए जिलानी साहब, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली नए लोग सियासत के अंदर आए, ये कोई एक दो डेकेड की बात है जो लोग नए सियासत के अंदर आए। हम तो एक प्रोसेस से सीख रहे हैं, आज ही हम अपने सीनियर से अब सियासत सीख रहे हैं, सियासत की डायरेक्शन सीख रहे हैं, सियासत के आदाब सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी के कारकुन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो थोड़ी तादाद के अंदर 5% 10% लोग हमारे भी रिएक्शनरी कोई बात कर रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा वाहियात अगर बात करते हैं तो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के लोग आपस में लगे हुए और वो ज़्यादा करते हैं। और इसमें मैं एक आपको बड़े बड़ी एक उम्मीद के लिए एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा हमारा एक जो मीडिया सेल है उसमें चेक एंड बैलेंस है कि कौन से लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी का नाम यूज़ करके और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे अपने आदाब। देखें, अगर हम आज जो जूनियर कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर हम इस तरह की बात करेंगे, या मैं ऑन एयर कहता हूँ अपने दोस्तों के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन और पीएसएफ के जो हमारे दोस्त हैं, उनसे ये मैं कहता हूँ कि अगर हम अगर इस तरह की बात अगर अपने बिलो द बेल्ट कोई बात करेंगे तो हम अपनी लीडरशिप से हमने सीखा क्या है? अगर हम इस तरह की बात करेंगे, हमारी लीडरशिप ने तो कोई ऐसी बात उसका नहीं, रिफ्लेक्शन नजर आता है टीवी पे, टॉक शोज में, स्पीचेस में। देखिए, हमारे चेयरमैन के लिए मैं मिसाल दे दूं, हमारे चेयरमैन के लिए शेख रशीद साहब ने क्या क्या बातें नहीं की, लेकिन हमारे चेयरमैन के मुंह से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के मुंह से या किसी सियासी कारकुन के मुंह से, किसी हमारे सेनेटर एमएलए एमपीएस के मुंह से आपने कभी शेख रशीद का कोई जवाब सुना? लेकिन जब शेख रशीद की खुद उनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद शेख रशीद साहब का एक परसेप्शन चेंज हुआ चेयरमैन साहब के बारे में। आज वो ऑन एयर कहते हैं कि शहजादा है बिलावल और पाकिस्तान का फ्यूचर है, और मुझे लग रहा है कि अगर शेख रशीद साहब की एक दो मुलाकातें होगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल, मुझे ये चीज मुझे लग रही है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी आज भी जो तरबियत हो रही है, जो आज भी हम देखिए हमारी पीपल्स पार्टी के अंदर तो बहुत बड़ी एक लीडरशिप मौजूद है जिससे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन और पीएसएफ के दोस्त सीख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पीएसएफ और पीपल्स यूथ के लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है बनिस्बत एमएसएफ और उनकी जो यूथ है, और आईएसएफ और उनकी जो यूथ पार्टीज हैं उनकी निस्बत हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पंजाब के अंदर, चारों सूबों के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और फाटा के अंदर एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। सोशल मीडिया अब सियासत शायद ज्यादातर सोशल मीडिया पर हो रही है और उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर भी आता है, लेकिन प्रैक्टिकली इलाकों में जाकर नौजवानों के मसाइल सुनना, खवातीन के अभी जैसे ताज जैसा बात करें मसाइल को सुनना, फिर उसको हल करना, फिर उसका फॉलोअप रखना, ये शायद बहुत ज़रूरी हो गया। तो सर ये जो गैप आ गया है, हर बंदा सोशल मीडिया पर आकर अपने कमेंट कर देता है ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो ये आज का नौजवान सर अगर सियासी जमातों का जाके करेगा, जैसे थर का मसला है, नौजवान जाएं सियासी जमातों के, पीटीआई के, एनक्यूएम के, पीपल्स पार्टी के, थर में मसाइल सुने, वहाँ देखें, या पंजाब में या केपीके में, तो वहाँ नौजवान जाना ही जाता है, वो कहता है यार सोशल मीडिया पे इधर से पिक्चर्स नहीं ट्वीट कर दिए और फेसबुक पे कमेंट कर दिए, ये सर मसले ये किल कर रही है सियासी जमातों को, उनकी अपनी तमाम ये चीज़ें, या कुछ और मसला है? आदिल, बुरा लगेगा आपको, शायद एनआरकी जो है वो टॉक शोज की वजह से और बढ़ गई। अच्छा, आप एनआरकी का ब्लेम हमें दे रहे हैं, ठीक है दे दें, लेकिन साथ गुजारिश ये है कि अगर हमारे सियासी लीडर जलसों के अंदर जाकर इस तरह की गुफ्तगू अगर करेंगे तो फिर टॉक शोज में वही डिबेट होगा ना सर, शाम में फिर टेलीविजन पर वही चलेगा, वही जीनत बनेगा खबरों की। तो पॉइंट ये कि लीडर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मजा है, सियासी लीडर
बल्कि सियासी लीडर किसी नज़रिए की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सियासत में दायां बाजू या बाएं बाजू, यहाँ पे एक बहुत बड़ा महाज बना पाकिस्तान के अंदर 2013 के इलेक्शन से पहले, जो एक मिलिट्री एक्शन हो रहा था वज़ीरिस्तान के अंदर, उसको रोका गया कि साहब सर्दी ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, और उसके बाद एक पूरा बना जिसके अंदर तालिबान, जिसके अंदर पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ और जिसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज थी। तालिबान ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जी आप डरो खौफ वहाँ पे कर दिया, और उसका आपने खुमियाजा भुगता, उसका इंपैक्ट पड़ा। अली हैदर को एक जलसा ही तो कर रहे थे, वो उठा के ले बिल्कुल अच्छा, लेकिन ये कि हुआ क्या उसके बाद, 6 महीने के अंदर अंदर वो टूटा, वो बिखरा, और दाएं बाजू की दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के लिए वही जबान इस्तेमाल करने लगी जो दोनों हमारे लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जो बुनियादी हकीकतें थी, ज़मीनी हकीकतें, उन्होंने मजबूर किया कि एस्टेब्लिशमेंट तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे, तो दाएं बाजू इंतशार का शिकार हुआ। और ऐसे वक्त के अंदर, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकतें थीं तो उनका जवाब, उनके जो मसाइल थे उनका हल नहीं था उनके पास, और सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला, ठीक है मुझे कहा उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी ने, ताज भाई 12वां राउंड चल रहा है, 13वां राउंड चल रहा है, ठीक है, मोहम्मद अली जिस वक्त 14वें राउंड में लेफ्ट मारेगा तो वो बात और होगी, ठीक है, देखो सब्र करो, इंतज़ार करो, जवाब नहीं देना है। एक दो दफ़ा मैंने जवाब दिए तो फ़ोन करके उन्होंने कहा क्या कर रहे हो ताज भाई, ये छोड़ो इसको ताज, ये क्या कर रहे हो, ठीक है, जाने दो इनको, ये 12वां राउंड है, ये 10वां राउंड है। तो अब ये चीज़ें जो हैं, अब वो तमाम का तमाम खुल के सामने आ रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम एक नज़रियाती जरीदा भी निकाल दें, अच्छा, और ये कि उसमें जो भी हमारे समाज के तादाद हैं, जो भी मसाइल हैं, और उसका कोशिश यही होगी कि मेयार बुलंद रखा जाए। बिल्कुल सही सर, अभी आप देखें ना, जातियात ना आए, ना आए। अब सर देखें, आपने अपना आपका सोशल मीडिया जो सेल है बड़ा एक्टिव है, पीटीआई का है, नून का है, लेकिन सर जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं या जो रवायात होनी चाहिए सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ना है, वो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। तो सरदार साहब अब मुझे ये बताएं कि अभी जैसे ये दाएं बाजू और बाएं बाजू की बात कर रहे थे ताज हैदर साहब, आपको वाकई लगता है कि अब सियासी जमातें अपनी असूल की सियासत पर आगे बढ़ रही हैं या अपने मफादात को प्रोटेक्ट करती हैं और अपने अपना जो जमहूरी जो असास है, जो अपने मैनिफेस्टोज हैं, उनको पीछे छोड़ रहे हैं? क्योंकि आप देखें सारी सियासी जमातों में उनके मैनिफेस्टोज जो हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े शानदार हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें गरीब के मफादात को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो उनका दाएं बाजू या बाएं बाजू कहीं और रह जाता है और अपने मफादात को वो प्रोटेक्ट करते हैं और उसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं। अब मैनिफेस्टो पीछे क्यों रह जाता है और नौजवान जियाला उसको कैसे देखता है? सर मैं आप मुस्करा रहे हैं इसमें, मैं आपका कॉमेंट लेता हूँ। पाकिस्तान के चारों सूबों की हमारी जो पार्टी की बॉडीज थी वो डिजॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि हम कराची में रहते हैं, कराची में सियासत करते हैं, कराची में बिजनेस करते हैं, मैं कराची में आपको मिसाल देता हूँ कि कराची के जो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के कारकुनों को बुलाया गया है, उनकी राय ली गई कि भाई आप किसको डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट चाहते हैं, और फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट को जमा करके पूछा गया कि आप कराची के प्रेसिडेंट के लिए किसको देखते हैं। तो हमने ये प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जी ये कोई हमने कोई बहुत ही आइडियल, लेकिन हम जा रहे हैं इस प्रोसेस की तरफ। लेकिन उन जमातों को जो कंफ्यूज हैं अभी तक कि जी हम लेफ्ट की पॉलिटिक्स करें या राइट की पॉलिटिक्स करें, कभी वो लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, कभी वो राइट की तरफ चले जाते हैं, कभी वो महराज मोहम्मद खान साहब को अपना जनरल सेक्रेटरी बनाते सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं पार्टी का, और कभी किसी को पार्टी का। मैं ये कहता हूं कि हम तो क्लियर है ना कि जी हम दाएं बाएं बाजू की जमात हैं, ठीक है, उन लोगों से पूछें ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं कि जो जो आज भी कंफ्यूज हैं, जो आज भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात तो करते हैं और अपने तालिबान के कभी खिलाफ भी बात करते हैं, फिर उनके कंधों पे चढ़ के सवार होके इक्तदार में आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, ज़ुल्फ़िकार लेकिन इलेक्शन भी नहीं कराएंगे का नजराना दिया। सर इस पे जरा रोशनी डालिए, अगर हम इलेक्शन कराते तो शायद बिलावल भुट्टो को कोई वोट ना पड़ता, मुझे पड़ता, जो हमारे इसीलिए आपने फिट अपने आप को रखा है कि जब भी इलेक्शन हो तो मैं आ गया। बड़ी बात यह है
बड़ी बात यह है कि लोग किसके साथ हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक दफ़ा कहा गया कि जनाब बीबी साहिबा को नोट्स आप बना के देते हैं, पॉइंट्स आप। मैंने कहा जी। मैंने कहा मैं अपनी बेहतरीन उर्दू और बेहतरीन अंग्रेज़ी में वो बात कहूँ, किसी की समझ में नहीं आएगी। ठीक है। वो अपनी हम कहे थे और ये करके कहती बात दिल में उतर जाती। सही है। बात ये है, अच्छा ये एतबार कैसे कायम होता है? ये एतबार बाबा एक दिन कहने लगे कि देखो तुम अगर एक बात कह रहे हो और उसके लिए तकलीफ नहीं उठा रहे तो तुम झूठ बोल रहे हो। एतबार कायम होता है तकलीफ उठाने से, कुर्बानी देने से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो लीडरशिप है इसने नस्लन बाद नस्लन कुर्बानियाँ दी हैं अवाम के लिए और इसलिए अवाम में इनका एतबार है। तो मैं अच्छी से अच्छी बात कहूँ वो उस वक्त असरअंदाज होगी जब वो इनकी ज़बान से आए। तो इसलिए एक मरकज़ियत है हमारे यहाँ कि हम उनको लीडर बना रहे हैं कि जिनको के अवाम दिलों में रखते हैं। अब अभी जिक्र आया था अमजद साबरी गैर सियासी हैं। ठीक है। किस मोहब्बत से पूरा ख़ानदान मिला। बिल्कुल। और क्या बात कही गई कि एक शहीद माँ के बेटे से एक शहीद बेटे की माँ मिली, और क्या अपनाइयत और उल्फत और मोहब्बत थी जो सियासी नहीं थी। लेकिन बात यही है कि एतबार इसलिए कायम हुआ। सर आपने 200% दुरुस्त बात की है। सर आप देखें, आप पुराने वर्कर हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ थे, आज भी ज्याला आपको रिस्पेक्ट देता है और खड़े हो जाते हैं आपकी रिस्पेक्ट में क्योंकि आपने अर्न की है वो रिस्पेक्ट काम करके, डिलीवर करके। सर मेरा सवाल ये है, अभी जो आपने अमजद साबरी की बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ा लूँ। इस रमज़ान में हमने अमजद साबरी का ये बहुत बड़ा इवेंट भी देखा है और अक्सर ऐसे लग रहा था फैमिली का हिस्सा है, तो सब ने वो दर्द महसूस किया है और हज़ारों लोग जो हैं उनके जनाजे में भी है। तो सर आज फिर हमारे हुक्मरान बेहतर तौर पर काम क्यों नहीं कर रहे? सर ना पुलिसिंग को रिफॉर्म किया, ना हम इन कातलों को पकड़ पा रहे हैं, ना दहशतगर्दों को पकड़ पा रहे हैं। कराची के अंदर आप देखें हर बंदा मायूस नज़र आता है। सर हमने सर्वे किया, वो लोग कहते हैं यार ये कातिल नहीं पकड़े गए। तो सर ये लोगों में ये जो एहसास है कि यार लीडरशिप वो काम नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए, ये एहसास सर बड़ा ख़तरनाक। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो मैंने पहले कहा मुंतखब हिस्सा रियासत का और गैर मुंतखब हिस्सा, फिर ऐसे सियासी अनासर जो उस गैर मुंतखब हिस्से के कंधों पर चढ़ के पावर में आते हैं। अच्छा, ये एक कंट्राडिक्शन है। ठीक है। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने कहा DIG साहब बात कर रहे थे और मैंने उनसे यही कहा कि जनाब कल को मैं और आप दोनों अल्लाह के सामने खड़े होंगे। बिल्कुल सही है। तो अब ये जो तमाम चीज़ है ये समझने की है। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या करें, या तो आप टकरा जाएं पूरी कुव्वत से और ख़ुद भी तबाह हो जाएं और बाकी चीज़ें भी तबाह कर दें, या आप कदम ब कदम आगे बढ़ें। अच्छा, हमें जो सज़ा मिलती है वो हमारी बुराइयों की नहीं मिलती, वो बुराइयाँ हम में हैं, हमारी सब में हैं बुराइयाँ, और नहीं, हमें सज़ा मिलती है हमारी अच्छाइयों की कि आपने अवाम के लिए ये किया, आपने अवाम के लिए, और उसको 18वीं तरमीम हमने की, अब उसको रिवर्स करने के लिए सब लोग लगे हुए और एक झगड़ा और तसादों की कैफियत है। लेकिन बात यही है कि इस सियासी हकीकत को अपने सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल लॉ के तहत उस वक्त वही कानून था। फिर मैंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के कानून के तहत। लेकिन सर वो दुरुस्त बात, सर माजी की वो बात लेकिन सर आज बताएं ना, सर आज अगर कराची के अंदर अमजद साबरी जैसे कव्वाल का जो आलमगीर शोहरत याफ्ता है उसका कत्ल होता है, तकरीबन 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, कातिल पकड़े नहीं जाते, तो आम बंदा सर फिर सवाल कर उठाएगा ना कि हम तो यार इनसिक्योर हैं, जो अमीर तबका है, जो अशराफिया है जिसके खिलाफ आप बहुत बात करते हैं, वो तो अपनी सिक्योरिटी रख लेता है, उनके पास 10-10 गार्ड हैं, गरीब बंदे की कोई सिक्योरिटी। देखिए एक मुसलसल एक जद्दोजहद है, एक तरफ अवाम है, अवामी ताकतें हैं, और हमारी कोशिश ये है कि अवामी ताकतों के साथ रहें, और हम हमेशा कम अज़ कम ये आप ज़रूर मानेंगे कि कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके हम इख्तदार में नहीं आए। ठीक है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वो है। अब ये एक सिलसिला चल रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि इन सफ़ेद बालों के साथ मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ आवाम के शऊर से, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं
या जो सवाल आपने उठाया कि क्यों नहीं पकड़े गए, ये एक प्रेशर बिल्ड करती हैं और ये प्रेशर उन पे बिल्ड, तो लीडरशिप पे है प्रेशर है? नहीं, लीडरशिप पे प्रेशर नहीं, उन इदारों पे प्रेशर बिल्ड करती हैं। तो सर रेंजेस ने यहाँ डिलीवर तो किया, 70-80% जो बड़ी दहशतगर्दियाँ थी वो तो ख़त्म हुई हैं, लेकिन पुलिस ने डिलीवर नहीं किया सर। पुलिस में जो रिफॉर्म्स आनी थी वो एक सीधी सादी बात को पुलिस के भी शहीद हैं, रेंजर्स के सर भी, पुलिस के भी शहीद हैं, सब ने काम किया, रेंजर्स के भी शहीद हैं, सब है कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन बग़ैर इदारों की सरपरस्ती के जराइम पेशा लोग जुर्म नहीं कर सकते। सर देखें, आप क्रिटिसिज्म को फेस भी करते हैं और आप बड़ा इफेक्टिव किरदार भी अदा कर रहे हैं और लीडरशिप को आप क्रिटिसाइज भी करते हैं जहां उनकी खामियां हैं, और ये आप करते आए हैं, इसी वजह से वर्कर आपको सपोर्ट भी करता है। लेकिन सर आप मुझे बताएं, कराची सर बड़ा शहर है, अब सर हमें समझ नहीं आती, यहाँ 15-20 हज़ार CCTV कैमरे होने चाहिए, वहाँ 2000 कैमरे भी नहीं है, जो हैं वो चलते नहीं हैं, तो सर अब फिर सवाल उठता है ना, अब मैं टीवी पे सुनता हूँ, अब फिर ये किसने करना, अब सारे इदारे कह रहे हैं नए कैमरे लगाएंगे, वो मसला सिर्फ इतना है कि उन कैमरे के लेंसों को साफ करना है, तो सर ये कौन करेगा, चलो उन्हीं के लेंसेज को साफ कर दें, क्योंकि वो नए जो चीज़ें आएंगी तो जाहिर है कि नए टेंडर होंगे, नई चीज़ें होंगी ये वो, लेकिन जो असल मसला है मेरे ख्याल से, आप टेक्निकल आदमी हैं, आपके कैमरे पे अगर गर्दा आ जाए तो तस्वीर सही नहीं आएगी, और एक कैमरा जो सड़क पर लगा हुआ है और ट्रैफिक गुजर रहा है उसके लेंस पे, उसके शीशे पे तो आनी है, ठीक है, तो ये कि कभी आपने इनको साफ करते हुए देखा सर, लेकिन हमारा कैमरामैन जो है ना सर, हाँ। देखें अभी आपने बात, हमारा कैमरामैन जब भी शूट पे जाता है तो वो अपने कैमरे को मेंटेन करता है, उसकी सफाई का ख्याल रखता है, तो जिसने यहाँ कैमरे लगाए सर वो भी साफ करके, कैमरे की सफाई करते कभी आपने किसी को नहीं देखा ना सर, लेकिन ये कि हाँ तस्वीर सही नहीं आ रही, अब नहीं खरीद लो। जी जी जी, बात ये कि देखें लोग गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर है बेसिकली पूरी दुनिया के, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अगर वो उसको कंपैरिजन करें तो बेसिकली तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आज लोग CM से रेजिग्नेशन मांगने के बजाय इस शहर के अंदर तो मेरे ख्याल में 10 से ज़्यादा इंटेलिजेंस काम कर रही हैं, उनके इदारों से पूछा जाए कि यार ये इंसिडेंट हुआ है तो आप क्या कर रहे थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पूछा जाए। और फिर देखें जिलानी साहब, ये इंसिडेंट ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होते, ये अतातुर्क एयरपोर्ट पे कल या परसों इंसिडेंट हुआ है, ये पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इसके रिस्पॉन्सिबल मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, ताज साहब ने तो बड़े लाइट मूड में कहा जी कि वो कैमरे के शीशे साफ होने चाहिए, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक कैमरों के शीशों के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो शीशे हैं उनके भी साफ करने की जरूरत है मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक। अच्छा ताज साहब, जो आम बंदा सवाल करता है, अभी आप देखें सर तकरीबन 2 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया हुकूमत सिंध ने दिया उनकी फैमिली को, अमजद साबरी साहब की फैमिली को 1 करोड़ मियाँ साहब ने दिया, तो सर अगर पुलिस के 2 वर्कर 2 उनके एहलकार उनकी सिक्योरिटी पर नामजद होते तो कोई 50,000 रुपये का खर्चा आता महीने का, तो हम 2 करोड़ रुपये दे रहे हैं उनकी मर्ग के बाद, लेकिन 2 पुलिस एहलकार हम वहाँ तैनात नहीं करते, तो सर पॉइंट ये है कि कब हमारी सिविल हुकूमतें इंश्योर करेंगी कि आम बंदे की सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अशराफिया की सिक्योरिटी या लीडरशिप की सिक्योरिटी, तो लीडरशिप को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए तो आम बंदे को भी जैसा मिलनी चाहिए। मतलब मैं सिक्योरिटी नहीं रखता और कभी आपने मेरे दफ्तर पे या यहाँ कभी कोई पुलिस वाला नहीं देखा होगा, कभी मोबाइल नहीं देखा, वो इसलिए कि शायद ये सिक्योरिटी रिलायबल नहीं है। असल सिक्योरिटी कोई पुलिस वाला रिलायबल नहीं, मतलब ये तहफ़ नहीं फराम करती पूरा। असल जो करने की बात है वो ये कि जो लोग इस किस्म की मनसूबाबंदी कर रहे हैं उससे आपके इंटेलिजेंस इदारे बाखबर हों, ये सारी फसलियाँ जो हैं वो प्रेग्नेबल हैं कि इनमें से वो दहशतगर्द आ जाएंगे, क्योंकि इनिशिएटिव उनके पास होता है। तो सर आप होपफुल हैं? आदिल जी मैं ज़रा सी बात करूँ, इनिशिएटिव उनके पास है, वो अपना टारगेट मुंतखब कर रहे हैं, वो वक्त वो मकाम वो मुंतखब कर रहे हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ वो काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव को उनसे वापस लेना होता है। तो वो कैसे लेंगे? हम तो ये करते थे, अपने आदमी उनके ग्रुपों में दाखिल करते थे, एक एक चीज़ की खबर। नहीं तो वो अच्छी पुलिसिंग से करेंगे ना, रिफॉर्म्स लाके इदारे स्ट्रांग बना के। अपने लोग
अपने लोग इंटेलिजेंस के हम उनके ग्रोहों में दाखिल करते थे। और मैंने पीर साहब पगाड़ा मरहूम से ये बात कही तो कहने लगे यार ये दहशतगर्द उन्हीं के तो लोग हैं, ताजा कैसी बात कर रहे हो, कहाँ से ये दाखिल करेंगे। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है ये मसाइल हैं और जाहिर है कि हर हुकूमत कोशिश करती है कि ये मसाइल ऑन अ सीरियस नोट आप समझते हैं आगे चल के मसाइल हैं। बिल्कुल ये कहता हूँ, लेकिन हमें डिफेंसिव मोड की जगह ऑफेंसिव मोड पे जाना। जैसे आप पैनामा में अग्रेसिव हैं, वहाँ पर मियां साहब को टफ टाइम दे रहे हैं, रेफरेंस भी फाइल कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो सर यहाँ भी अग्रेसिवनेस दिखा देना। नहीं नहीं, मियां साहब पे तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है ISI से पैसे लेने का और वो वजीर आजम है। ठीक है, तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट चाहेगा वो वजीर आजम रहेंगे। तो अभी सर क्या होने जा रहे हैं, अभी ईद के बाद क्या होने जा रहा है? वो जो भी पार्टी क़यादत फैसला करती है, लेकिन बात यही है कि असल मसला मियां साहब नहीं है। अच्छा, मियां साहब से पहले भी मुल्की सरमाया बाहर जा रहा था, कल को वो वजीर आजम नहीं होंगे तब भी मुल्की सरमाया बाहर जाएगा। हमें बैठ के सर जोड़ के ये तय करना है, जैसे एतजाज़ ने जो कुछ प्रपोजल्स दिए हैं कि मुल्की सरमाए को बाहर जाने से कैसे रोका जाए। असल मसला ये है, ठीक है, और बाहर से सरमाया किस तरीके। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने पॉलिसी ये की है कि अपनी सनतों को बंद किया जाए, दरामदाद पे भरोसा किया जाए, बरामदाद पे जोर ना दिया जाए, बाहर से जो सरमायाकारी हो रही है उसको ना दिया जाए किसी किस्म का, और अपना जो सरमाया है वो बैरून मुल्क। तो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ भी इनकी अच्छी नहीं रही और अपना सरमाया भी बाहर रखा। नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसियाँ देखें वो है कि जो इदारे बना रहे हैं, ठीक है, IMF बना रही है, वर्ल्ड बैंक बना रही है, और उनकी दुनिया भर में पॉलिसी ये है। तो माशी तौर पर ये PMLN की पॉलिसियां नाकाम हुई हैं, ये नहीं, ये उन पॉलिसियों को फॉलो कर रहे हैं कि जो इन मालियाती इदारों ने बनाई हैं। तो सर लचक ना वो दिखा रहे हैं ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कोई एग्रीमेंट हो रहा है हमने जो पार्लियामेंट के अंदर। तो सर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, सर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप तो चाहेंगे कि खुश असलूबी से टेबल पे टेबल टॉक के जरिए मसले हल हों, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे जमातें वहाँ एग्रीमेंट नहीं कर रही, वहाँ कोई लचक नज़र नहीं आ रही, ना एक तरह से ना दूसरी तरह से। तो सर अगर सारे कलीदी इश्यूज सड़कों पर हल होने हैं तो सर पार्लियामेंट फिर काय के लिए बनाई है? सर देखिए ना, पार्लियामेंट में भी ये चीज़ होगी, वो कमेटियाँ भी बनी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें, लेकिन जो चेयरमैन बिलावल ने पहली बात कही थी उनसे कि आप हट जाएँ और फिर जब क्लियर हो जाए तो आप वापस आ जाइएगा, तो इससे वो सिस्टम चलता रहेगा। यानी 28 सेकंड के अंदर जीलानी साहब हट गए, हरचंद के उन्होंने जो स्टैंड लिया था वो एक बाद में भी साबित हुआ कि आई नहीं स्टैंड, ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म गीलानी हट गए, दूसरे वज़ीर आज़म आ गए, सिस्टम चलता रहा, इंतखाबात हुए, जैसे भी धांधली हुई ये हुई, इंतकाल इख्तदार हुआ, एक सदर गया दूसरा सदर आ गया। हमारा सिर्फ ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव है मियाँ साहब को अल्लाह एहतसाब, आप चाहते हैं सबका एहतसाब। सबका कैसे एहतसाब, मैं कह रहा हूँ बुनियादी बात यह है कि मुल्क की दौलत बाहर ना जाए, कोई ऐसी चीज़ बने, ठीक है, मुल्क की दौलत मुल्क के अंदर रहे। अब ये जो बाहर की कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं दुगनी तिगनी, उस पर पाकिस्तान की कंपनियाँ क्या नहीं है? तो एहतसाब यानी जनरली जो असूली जो बात है कि इमरान खान साहब का एहतसाब हो, मियां नवाज शरीफ साहब का हो, सरदारी साहब का हो, अल्ताफ हुसैन का हो, सबका एहतसाब। देखो ये उनका काम है, वो उनकी सियासत इस पर जंदा है, क्योंकि नज़रिया कोई नहीं है। मुकामी तौर पे जो बासर लोग हैं उनको जमा करके कह देते हैं जी पार्टी, नज़रिया कोई नहीं है उनका, ये है कि जी इसका एहतसाब करो, इस तरीके से वो मामले को कंफ्यूज करते हैं। हमारा ये है कि इंतखाबात वक्त पे हों, इंतखाबात के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली हो और मुल्क की दौलत मुल्क में रहे, बाहर ना जाए। ठीक है सर, आखिरी सवाल, अभी ईद के बाद ये धरनों का ये सीज़न बड़ा एक्टिव हो जाएगा तमाम चीज़ें, तो आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि गैर रियासती अनासर इंटरवीन करें और उनको अपनी टर्म्स को डिक्टेट करना पड़े, क्योंकि जब सड़कों पे फैसले होंगे तो मसाइल उस तरफ जा सकते हैं। तो फिर मसला अभी भी हल हो सकता है या आप समझते हैं कि आप कोई नवीद कोई उम्मीद नज़र नहीं? आदिल, हमने हमेशा पुरमन चलाई ये जो भी तहरीक है, ठीक है, लेकिन अब ट्रेजडी बड़ी ये है कि मुझे 12 साल हो गए जेल गए हुए। पिछली दफ़ा जब मैं जेल गया था तो सर ममनून हुसैन भी हमारे साथ थे और बड़े मोहब्बत से, बड़े इखलास, ज़ाती खूबियाँ उनकी जो हैं माशाल्लाह, और मुझ पर तो खासे वो हमेशा उन्होंने शफ़क़त रखी, मोहब्बत का बर्ताव मुझसे किया।
लेकिन ये कि वो सदर बन गए, मैं फिर जेल जा रहा हूँ। तो ये जो है तो 12 साल हो गए। जब मैं गया था तो मैंने दर्द के पास ले लिखी, उस पर मुझे नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट राइटर का, पीटीवी। वो लबे दरिया भी था, लबे दरिया जेल में नहीं लिखा मैंने। अच्छा, वो दर्द के पास ले जेल में लिखा। अच्छा, अच्छा। और उस पर मुझे अच्छी खासी रकम भी पीटीवी ने दी, जिससे 5-6 महीने मेरा गुजारा हो गया। लेकिन ये कि अब जेल होती नहीं, अब जेल में जाऊं तो 2 किताबें मुझे रियाजी पे लिखनी है, जो कदीम रियाजीदान थे यूनान के, उन्होंने क्या काम किया उस पर, और एक द डेरिवेटिव मतलब DYYDX किस तरीके से, इन 2 किताबों के लिए मुझे वक्त चाहिए। अच्छा, जो शायद जेल में मिल सके। तो ये फिर आगे चल के कोई नई किताबें आ सकती हैं, बशर्ते के धरने चले। नहीं, जेल में जाना है। अच्छा, 12 साल हो गए मुझे बड़ा। सर अल्लाह करे ये मसाइल सारे कुछ असलूबी से हल हों और पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता और किसी गैर रियासती अनासर की इंटरवेंशन के। ताजा साहब में बात हुई, ईद के दिन आपने वक्त निकाला सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सरदार नज़ाकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, आज ईद के दिन हमने उम्मीद की बातें भी हमने सुनी ताज हैदर साहब से और नज़ाकत साहब, और यंग जियाले हैं, सीनियर वर्कर हैं ताज हैदर साहब, और उन्होंने बताया कि जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो ब्राइट है। अब लेट्स सी कि ईद के बाद ये जो धरनों के हवाले से बात की जा रही है, ये मसला खुश असलूबी से हल हो। सो मसला जो है वो बड़ा गंभीर नज़र आता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैनामा लीक्स की, ये मसला हल हो, मुल्क आगे चले और जमहूरियत मजीद मजबूत हो और आम बंदे को उसके फंडामेंटल राइट्स मिलें। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत से वक्त न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आदर जलानी को इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।